बोलते हैं? नहीं बोले साहब, केम नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। आ जाओ यार, चलो फिर तुम्हारे दुकान पे चलते हैं। तुम्हारा नारायण जी, तो बड़ा दिन पे काम कर रहे हो यार। आज के पहले में सबको एंड चाहिए, आपको भी खिलाओ, फिर आते हुए बातें करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सी जगह है? बुलवा चौक। बुलवा ताने। बुलवा। हाँ। इधर आई गया था। तो फिर उस कवाद पे गया था मैंने। पानी दस ताने तक पर ये आगे निकलता है। वैसे भी तेरे इससे सिर्फ दोबारा करा। ये बुरी बात है, उसका नाम क्यों पड़ा है? रिप्पे तेरे तक तेरे से क्यों बता है उसका नाम ना पाया बुलवा? बोल तो बताओ पाप। बोल तो लाओ ही गार्डन है। कब से यहाँ पे रहते हो? हम तो यही रहते हैं कब से, यही पैदा हुए पले बड़े। हाँ। लोकल मतलब एकदम लोकल लौड़े हो यहाँ के। बिल्कुल। क्या नाम है? एनन। एनुअल। हाँ। फिर से एक बार बताओ। एनुअल। 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 पहली बार मैंने इस तरह का नाम सुना है यार। ऐसे ना, सही बता रहा हूँ मैं? जी है ना, थोड़ा नहीं है। अनमोल बोल रहे हो? नो एनुअल। एनुअल। अरे नॉर्मल नेम आज तक मैंने नहीं सुना। आरसी वर्ड। आरसी वर्ड। क्या मतलब है इस नाम के पीछे का? इस नाम के पीछे का क्या है? मतलब इसका मीनिंग क्या है नाम का? मीनिंग? मीनिंग तो कुछ पता है। जैसे मेरा नाम विजय है तो विजय का मतलब होता है जीत, जीत विक्ट्री। ऐसे ही तुम्हारे अनुपम, अनुपम तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? मेरे नाम का बहुत बड़ा मतलब है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, जो अनुपमेय है, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। तो आप जानने की कोशिश करना पहले तो तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। अब आते हैं तालाब में, ठीक है? तो ये तालाब में ये जो सौंदर्यीकरण हुआ है, कब से ऐसा हुआ है? ये गंदा। अब गंदा है क्या? जैसे पारदा है, गंदा है। क्यों गंदा है? बहुत पानी आने भी नहीं है इसमें ज्यादा है। और ये बहुत इतना साल हो गया, बहुत गंदा पानी है, बस आता भी है। इससे फव्वारा लगा है, एक्चुअली दिखता नहीं। हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। हाँ। अनुपम ने देख के बोला फव्वारा है, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है फव्वारा, चाहिए दिखने का। जनरली जहाँ फव्वारा होता है लाइट वाइट लगी होती है कि अच्छा थोड़ा दिखाई। गिनती है, है। तो उसमें टाइम नहीं होगा बंद होने का। अच्छा बंद होने का टाइम, फिर क्या फायदा है? वही तो 7:58 है। क्यों बंद है फिर? और ये किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये मतलब यहाँ के विधायक कौन है? फर्स्टिंग का है वो, नहीं कि कार्यपाल में कार्य वगैरह हुआ, पार्क वगैरह बंद उन्होंने ही बनवाया था। बट मेंटेनेंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है। हाँ उतना अच्छा नहीं है। ये सुबह सुबह भी खुलता है, 5 बजे करीब। मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक की थी वगैरह है। फिर इवनिंग में 5 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है। 4 के बाद टिकट, पहले टिकट वगैरह नहीं लगती, जब टिकट वगैरह। अच्छा कितना टिकट लगता है? 10 रुपये। 10 रुपये रेंटल मेरे साथ। तो क्या लगता है रात में भी लोग आते हैं यहाँ टहलने? आते हैं, पहले जब टिकट नहीं लगती थी ना यहाँ तो बहुत पब्लिक रहती थी। अच्छा टोटल पब्लिक प्लेस समझो। अब टिकट लगने लगा, बहुत ही कम पब्लिक आती है, इसीलिए लोग नहीं आते। मॉर्निंग टाइम पे आते सब, रात में कोई नहीं आता। हाँ रात में बहुत कम आते, कमरे वगैरह। अब क्या लगता है तुमको, अगर ये जो लाइट जो अब बारे चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, लाइट की तो प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइट क्यों बंद कर दी गई? फव्वारों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए ना। अब वही तो अपन को नहीं पता है, उनको समझिए चाहिए। अब ये गार्डन बना है इतना बड़ा, तो भाई सब चीज़ का इंतजाम है। तो भाई लाइट भी चालू करे, गाने बॉक्स वगैरह भी लगे, गाने भी बजते हैं, कोई नहीं बजा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 10 लोग और रुकते इस ब्रिज में। ये ब्रिज है, बहुत अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा नज़ारा होता है। जैसे उनके पास आते हैं और कहीं भी, जैसे कुछ भी निकालते थे यहाँ पे, देखते हैं वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह खींचते हैं। तो कहीं जाते भी नहीं। अरे रात में जब, अब क्या फोटो खींचने लायक क्या है? तो दिन में खींचते होंगे फिर सिर्फ। और दिन में धूप रहती है तो तुम लोग धूप में तो ऐसी तैसी वैसी होती रहती है। धूप पे आती ही शाम ही आते, डायरेक्ट शाम को ही आते लोग। अब भी आए 15-20 में होगा। और क्या, जैसे अभी तुम ये बेचते हो, कब से बेचना शुरू किए? दूसरा साल। कितना कमा लेते हैं लोग?
मैं ये मेरे चाचा का ठेला है। अच्छा तो कुछ तुमको मिलता नहीं है? नहीं मिलता है मेरे को। सही से बताओ, कोई वो नहीं है? हम कोई कोई इनकम टैक्स वाले नहीं है। ठीक है, हम भी तुम्हारे जैसे जैसे ये बना के बढ़िया दे रहे हैं, बढ़िया खबर बना के देते हैं। कभी कोई अनायास परेशान करे, चाहे कोई भी हो, आपको बताना, हम आए, हम लोग मदद करने के लिए हैं। हम लोग बेकार नहीं, नगर निगम वाले आते हैं तो है ना, उसके लिए देखो नियम के हिसाब से कार्यवाही करेंगे तो ठीक है, नियम के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो हम लोग हैं, हमको बुलाना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुमको पसंद नहीं किया, मान लो आज तुमने कमाई नहीं की, नहीं दिए, उन लोगों ने दुकान बंद करवा दी, सामने दुकान वाले ने दे दिया, उसको रखे हुए हैं, वो गलत है, वो अन्याय है।